डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफिकल मेथोडोलॉजी, हिंदी में इसे भौगोलिक पद्धति कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, यानी कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। तो इसके अंतर्गत हमारा अध्ययन क्वेश्चन है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का विकास, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम यही अध्ययन करेंगे, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भूगोल के वैज्ञानिक विकास की महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है, यानी कि जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है यानी कि उसका प्रारंभ है, और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के पूर्व वाला समय जो है, उस समय क्या है, जो भूगोल है उसके वैज्ञानिक विकास की जो समय है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय क्या हुआ था, उसका विकास बहुत अधिक हुआ था, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो भूगोल के विभिन्न शाखाएं हैं उनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। भूगोल की जो ग्लोबीय एकता के पक्षधर है कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रिस्थोपन, इन सभी विद्वानों ने भूगोल को गतिशील और वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसी समय भूगोल में रचनात्मक विभाजन का खतरा उत्पन्न हो रहा था। कुछ वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, इसको अलग अलग भागों में खंडित कर रहे थे, ये खतरा था उस समय के लिए। तो जो हेटनर, हर्बर्टसन, टेलर, हार्टशोन, ये विज्ञान जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, भूगोल की विधि तंत्र में एकरूपता लाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, कुछ खतरा उत्पन्न हो रहा था भूगोल में। तो वो क्या कर रहे थे, इसमें एकरूपता लाने का प्रयास कर रहे थे ये लोग, और उसमें निरंतर प्रयासरत थे। जो हर्बर्टसन थे वो क्या थे, अंत तक के क्या करे, उसने कहा कि भूगोल का विभाजन भूगोल की हत्या के करने के बराबर है, ये कहा उसके पक्ष में। हार्टशोन ने अपने जो ग्रंथ है नेचर ऑफ ज्योग्राफी एवं पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, विविधता में एकता का सिद्धांत आगे बढ़ा, इसमें एक सिद्धांत दिया था विविधता में एकता, तथा कुछ हद तक भूगोल की एकरूपता को आधार मिला। किसके प्रयास से, हार्टशोन के प्रयास से। हार्वे ने अपने ग्रंथ एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी में भूगोल के नवीन आयामों को आगे बढ़ाते हुए भूगोल के व्यवहारिक पक्ष, सांख्यिकी विधि और सैद्धांतिक व्यवहारिक भूगोल के अभिनव भाषा और भूगोल पर एक नए सिरे से प्रकाश डाला, यानी कि जो हार्वे है उसने क्या किया, उसको और आगे विकसित किया। उसकी विभिन्न पक्ष है जो व्यवहारिक है, सैद्धांतिक है, सांख्यिकी है, मतलब कि गणितीय विधियां हैं, उन सभी को उन्होंने सम्मिलित किया, जिससे क्या हुआ, उसमें और भी विकास हुआ, उसमें प्रकाश डाला, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो भूगोल के विभाजन का जो भय था वो क्या हुआ, पूर्णतः समाप्त हो गया, यानी कि जो समस्याएं थी भूगोल में, संरचनात्मक समस्या, वो क्या हुआ, उसका भय जो है समाप्त हो गया। इसे भूगोल के परिवर्तनशील स्वरूप या अभिनय स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवीन विधि तंत्र के निर्माण की दिशा में क्या हुआ, एक कदम, एक नई कदम माना जाता है। भूगोल के सैद्धांतिक पक्ष का विकास द्वितीय विश्व युद्ध तक निरंतर होता रहा है, यानी कि जो सैद्धांतिक है जिसे आप बुक में पढ़ते हैं वो है। इसी अवधि में भूगोल के शोध में क्या हुआ, सांख्यिकी का प्रयोग हुआ। सांख्यिकी क्या है, आंकड़े हैं, गणितीय विधियां हैं, जिनका प्रयोग भूगोल में हुआ। इससे क्या होता है, व्यवहारिक प्रयोग आता है इसमें। इसके पश्चात भूगोल का जो विकास है उसमें और गति हुआ, और यूरोप में मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ। जो मात्रात्मक क्रांति है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, उसका विकास कहाँ पर हुआ, यूरोप में हुआ। इसके पश्चात जो पीटर है, इसके विकास के 6 प्रमुख कारण बताए। जो पीटर क्या है, एक विद्वान है भूगोल वेत्ता, उन्होंने इसके 6 कारण बताए, किसकी, जो सांख्यिकी विकास है या मात्रात्मक क्रांति है उसका। तो ये कौन कौन से 6 कारण है जिसके वजह से भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ, ये 6 पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है, नई विधियों के उपयोग से भूगोल की परंपरागत भौगोलिक समस्याओं को समझना, ये फर्स्ट कारण है जिसकी वजह से मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ। अब सेकेंड कारण जो है वो है क्षेत्रों के समंकों के संकलन की विधियों में विकास तथा विभिन्न भागों में नमूना सर्वेक्षण, यानी कि जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है उसके समंक के आंकड़े के संकलन की विधियां,
और उनके विभिन्न भागों की नवीना सर्वेक्षण, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र है उसमें क्या क्या सर्वेक्षण करना उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है। तो उसके लिए क्या है, गणितीय विधि का प्रयोग करने में वह सरलतम होता है। तो इसके लिए भी क्या हुआ, मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ। फिर है विविध व्याख्यात्मक सांख्यिकी विधियों एवं बहुचर विश्लेषण का भूगोल में समावेश, इसकी वजह से भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग हुआ। फिर है भूगोल में गणितीय स्वरूप एवं भौगोलिक विधि तंत्र वाली पद्धतियों का विकास, ये एक कारण है। फिर है स्थानीय मॉडल का विकास और स्थानीय आचरण और पर्यावरणीय उपलब्धि के विविध पक्षों पर शोध, ये छह कारण है जिसकी वजह से जो मात्रात्मक क्रांति है उसका विकास हुआ। भूगोल के विकास के इतिहास में 1950 के दशक के प्रारंभ से ही मात्रात्मक विधियों के उपयोग ने भूगोल की प्रकृति, उसके विधि तंत्र और उसके विकास के आयाम को एक नई वैज्ञानिक दिशा प्रदान कर दी। भूगोल में सांख्यिकी विधि का उपयोग जो है 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ, जिसमें जो अमेरिकी विद्वान है डेविस हार्वे, पीटर गोड्स, सोनेन फील्ड, मेकार्ट, हैगेट व सोले, ये सभी क्या है, अमेरिकी विद्वान है। इनका योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शोध कार्यों में गणितीय भाषा का उपयोग बढ़ने लगा। एक दशक बाद यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में सांख्यिकी विधियों का उपयोग होने लगा। इस तरह भूगोल में मात्रात्मक विधियों के उपयोग से जो मात्रात्मक क्रांति है वह आया या उसका विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो मात्रात्मक क्रांति है उसका विकास हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये नोट है इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें कंप्लीट ये बताया गया है कि मात्रात्मक क्रांति का विकास किस प्रकार से हुआ। तो उसका क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, आपको यही आंसर लिखना है।